हाय गाइस, इट्स डे टू और कल हम लोगों ने हाउस बोट में चेक इन किया था, बट आई डिड नॉट हैव टाइम क्योंकि हम लोग पहले शॉपिंग करने चले गए जो आपने देखा, एंड देन फिर बहुत टायर्ड थे क्योंकि हमने उसी दिन लैंड किया था। तो आज आई सम टाइम गिव यू अ हाउस बोट टूर और आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग, जिसका वीडियो मैं सेपरेटली बना के अपनी कश्मीर डायरीज में लिंक कर दूंगी। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस बोट। सबसे पहले तो ये डेक है और यहाँ से इसका व्यू इतना ब्यूटीफुल आता है, पीछे पहाड़ है और यहाँ पे लेक का ये व्यू है। यहाँ पर सुबह सनराइज़ के टाइम बैठकर बहुत ही रिलैक्स्ड और रिज्यूविनेटेड फीलिंग होती है, या शाम को सनसेट देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। शाम की चाय, हाउस बोट का ये लेक का नज़ारा और चिड़ियों की चहचहाहट, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। द डेक इज़ फॉलोड बाय दिस थॉटफुली डिज़ाइन लिविंग एरिया। इसमें सिटिंग काउचेज हैं थोड़ी थोड़ी जगहों पर और एक स्टडी एरिया भी है। द लिविंग रूम इज़ फॉलोड बाय दिस डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया में वुडन फर्नीचर है और क्रॉकरी रैक भी है। बहुत ही प्यारा सा लैंटर्न है और एक विंडो है जहाँ से लेक का व्यू दिखता है, जो ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। हाउस बोट बुक करते समय आप उसको विद मील बुक कर सकते हैं, क्योंकि हाउस बोट लेक में होती है तो एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, आपको शिकारा करके जाना पड़ सकता है फूड के लिए। इसलिए मेरे ओपिनियन में, कई लोग कहते हैं हाउस बोट में रुकें या ना रुकें, हाउस बोट एक दिन के लिए करना तो डेफिनेटली वर्थ इट है फॉर द एक्सपीरियंस इट गिव्स, बट एक दिन से ज़्यादा के लिए आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन फील हो सकता है, सिंस यू आर ऑन ट्रिप, आपको एक्सप्लोर करने का मन कर सकेगा। मोस्ट हाउस बोट्स में गर्म पानी भी आता है, बट एक प्रॉब्लम होती है, पूरे टाइम गर्म पानी नहीं आता, एक सर्टन ड्यूरेशन होती है, कभी कभार 1 आवर और 2 आवर्स बिफोर द ब्रेकफास्ट। तो हमारे हाउस बोट में गर्म पानी आता था एंड देयर वाज अ नाइस वार्म बाथ टब। दिस इज़ द वे टू आर रूम। ऑन द वे यहाँ पे आपको और रूम्स भी दिखेंगे, तो यू कैन बुक इट सेपरेटली, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यू कैन बुक मल्टीपल रूम्स एज वेल। द रूम वॉज हैंड्स डाउन गॉर्जियस, ब्यूटिफुल, कोजी एंड वॉर्म। पर्दों पर कश्मीरी कढ़ाई थी, ना ही सिर्फ पर्दों पे, बेड कवर्स पे, मसनद पे, ऑटोमन पे, जो भी स्टूल्स थे वहाँ पे, सब पे कश्मीरी कढ़ाई थी, और जो रूफ़ थी उसमें बहुत अच्छी कार्विंग्स थी जिस पे जब लाइट पड़ती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। द बेडरूम ऑल्सो हैड अ नाइस रीडिंग कॉर्नर एंड अ ड्रेसिंग टेबल। द वेलवेट बेडशीट वॉज वेरी कोजी एंड वॉर्म। रात में जब टेम्परेचर्स डिप होते थे तो काफ़ी कम्फर्टिंग लगता था इसमें। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग कि जब आप अपनी हाउस बोट बुक करें तो मेक श्योर कि आप उसमें रिव्यूज़ अच्छे से चेक कर दीजिए। द प्राइसिंग ऑफ हाउस बोट स्टार्ट फ्रॉम 2800 पर नाइट। Just like all other houseboats, this houseboat was also not very well connected to all the other amenities in the city. इसलिए food के लिए आपको discuss करना पड़ेगा। I hope you like this video and if you did, please do subscribe to my channel. Till the next time, have a great trip. Bye bye. Take care.